चलिए आगे के रुख करते हैं। आपको बता दें अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर 22 जनवरी को इंदौर में दीपावली जैसा माहौल दिखाई देगा। इंदौर शहर के व्यापारी संगठनों के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक की है। बैठक में निर्णय लिया कि इंदौर 1,11,00,000 दीयों की रोशनी से जगमगाएगा। शहर के हरेक प्रतिष्ठान पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी और लोगों को देर रात आतिशबाजी का आनंद भी देखने को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने बताया है कि शहर में 1,11,00,000 दिया लगाने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं शहरी क्षेत्र में सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में 25-25 लाख दीपक लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। कि लगातार 7वीं बार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है और उसके लिए हम बधाई भी देते हैं। साथ ही 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। सारे देश ही नहीं सारी दुनिया में उत्सव मन रहा है, पर इंदौर में कुछ अलग हट के बने, इसलिए हमने इंदौर के सभी व्यापारियों को माननीय महापौर जी से निवेदन किया था कि आप आमंत्रित करें जिससे उनके सुझाव आए। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इंदौर के सभी व्यापारी, सभी एसोसिएशन, सभी स्कूल, उसके संचालक यहां पर आए थे और सभी ने बहुत सकारात्मक सुझाव दिए हैं। इंदौर के सभी मंदिरों पर लाइट लगे, सभी बिल्डिंगों पर लाइट लगे, सभी होटल्स पर लाइट लगे, सभी होटल्स में भगवान राम की मंदिर की पूरी प्रतिकृति लगे, इस प्रकार के सुझाव आए और मंदिर बनाने वाले भी यहां पर आ गए और होटल एसोसिएशन ने भी कह दिया कि हाँ हमारे होटल्स में हम मंदिर लगाएंगे और उत्सव मनाएंगे।